कुष्ठ रोग एक ऐसी समस्या है जिसे अगर कि एक बार किसी को हो जाए तो लोग बहुत ही हीन भावना से उसे देखते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जानकारी साझा करें कि आखिर ऐसा क्या हो जाता था कुष्ठ रोगियों के साथ जो लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते थे। कुष्ठ रोग ऐसा है जिसमें लोगों का अंग भंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही इससे ये समस्या हो जाती है कि अगर ये डिफरेंट स्टेजेज में रहता है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब ये संक्रामक हो जाता है, किसी कोई भी आदमी जो उसके आसपास आएगा संपर्क में रहेगा तो उसको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस बीमारी में ये भी है कि अगर एक बार जो चीज़ हानि हो गई तो वो फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल है, जैसे हाथ पैर का सूख जाना, टेढ़ा हो जाना या फिर उंगलियों का गलना। और ये सब ऐसी चीज़ें थी जिनसे कि पुराने ज़माने ही नहीं बल्कि आज के ज़माने में भी लोग इनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इसकी दवाइयाँ आ गई हैं और हर तरह से इनका इलाज संभव है और कुछ समय के इलाज के बाद ये संक्रामक भी नहीं रह जाता है। तो अगर किसी के फैमिली में कोई कुष्ठ रोगी है तो वो उससे दूरी कैसे बना सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है? देखिए, आप उनका उचित रूप से इलाज कराएं और कुछ समय का दूरी बनाने का ये मतलब नहीं है कि उनको हम बाहर कर दें, छोड़ दें, लेकिन है कि व्यक्तिगत संपर्क में ना आना है और उनकी उपयोग की गई चीज़ों को दूसरे लोगों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम जो संक्रमण होता है उसको रोक देंगे, संक्रमण रुक जाएगा तो नेचुरली दूसरों को नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुष्ठ रोग किसी को शुरू हो रहा है तो कैसे जान सकता है, कोई आदमी कैसे पहचान सकता है कि उसे कुष्ठ रोग की चपेट में वो आ रहा है, वो उसके शुरुआती लक्षण है? कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण में ये रहता है कि हाथ पैर या शरीर में कहीं भी धब्बे बन जाते हैं हल्के रंग के, फिर धीरे धीरे उनमें सूनापन आ जाता है, अर्थात हाइपोस्थीसिया या एनेस्थीसिया जिसमें कहते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि हाथ पाँव में बेवजह झनझनाहट रहती है, नस में दर्द रहता है। तो इन सब चीज़ों की अगर ज़रा भी आपको लगे कि है तो तुरंत जा कर के अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया था कि इलाज संभव है, तो इलाज के दौरान अगर किसी को ये समस्या हुई है तो इलाज से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जी हाँ, इलाज से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मगर हाथ सूख गया है, पैर सूख गया है, टेढ़ा हो गया है या गल गया है, तो ये चीज़ आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर थोड़ा सा भी महसूस हो तो तुरंत से तुरंत इलाज शुरू कराएं, नहीं तो बाद में जो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उनको दूर करना बहुत मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। कुष्ठ रोगी को, जैसे कुष्ठ रोगी है कोई, तो वो घर पे किस तरीके से बचाव कर सकता है? और क्या खास बात ये कि अगर एक जगह पर अगर उसे कुष्ठ रोग हुआ है तो क्या उसके शरीर के किसी और अंग को प्रभावित कर सकता है? देखिए, कुष्ठ रोग ऐसा है जो त्वचा में नर्व के सहारे फैलता है और इसमें सबसे बड़ी वही समस्याएं होती हैं, जैसे हाथ पैर में झुनझुनी होगा या नस खिंचाएगा, दर्द होगा, आपका सूनापन होगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें बचाव का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, प्रथम 4 से 6 माह में लगातार दवाएं खिलाने के बाद ये बीमारी है जो संक्रमण नहीं रहती है, तो उसके बाद आपको इससे फैलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, शुरू के अवस्था में बच्चों को खास करके उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन एक बार जब दवा शुरू हो जाती है, 6 महीने पार कर जाते, तब आपको किसी तरह के संक्रमण को किसी के डर नहीं है।